देवरिया में हुए हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश ही थर्रा गया है। 6 लोगों की एक साथ हुई हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है। इस हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद मुख्य वजह बताई जा रही है। घटना सोमवार की है, जहां प्रकाश दुबे का परिवार नींद से जागने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गया। वहीं इस पूरे घटना में परिवार के बड़े बेटे की जान बच गई, जो कि सत्यनारायण कथा सुनाने दूसरे गांव गया हुआ था। बड़े बेटे का नाम है पंडित देवेश दुबे, लेकिन जब वो घर लौटा तो अपने परिवार वालों को खून से लथपथ पाया। इस पूरे वारदात में सबसे दिल दहला देने वाली बात का जिक्र बड़े बेटे ने किया। बड़े भाई प्रकाश दुबे ने बताया कि छोटे भाई गांधी का जन्मदिन था, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आने वाला था। उसका जन्मदिन रात को सभी के साथ सेलिब्रेट करने वाला था, लेकिन जन्मदिन के ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। आपको बता दें कि ग्राम फतेहपुर में निर्दयी हत्यारों के हाथों धारदार हथियार से मारे गए दीपेश उर्फ गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इस वजह से माता पिता ने दीपेश का निकनेम गांधी रखा था। घर से लेकर रिश्तेदार और गांव के लोग दीपेश को गांधी के नाम से पुकारते थे। इस गांधी का जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। माता पिता के साथ भाई बहन शाम को 7 बजे जन्मदिन उत्सव मनाते, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई।